हाय, मैं सोनिया विद्यागुरु से मई करंट अफेयर्स 2020। आप देख रहे हैं बाइलिंगुअल सेशन, जो कि प्राइमरीली हिंदी मीडियम में है। सेशन इंग्लिश मीडियम में भी बनेगा, तो मई करंट अफेयर्स 2020 इंग्लिश मीडियम में देखने के लिए स्विच टू द इंग्लिश मीडियम सेशन, वो भी प्लेलिस्ट में है। एंड दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज प्राइमरीली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ साउथ इंडिया, प्राइमरीली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिनके लिए हिंदी लैंग्वेज समझना कंफर्टेबल नहीं होता। तो हर सेशन ज्यादातर विद्यागुरु के पोर्टल पर दो सेशंस में रिकॉर्ड किया जाता है, अपलोड किया जाता है, ताकि किसी भी बच्चे को लैंग्वेज बैरियर ना हो। क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा इंग्लिश में सेशन आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए इंग्लिश में साउथ इंडिया के बच्चों को हेल्प करने के लिए वो सेशन बनाया जाता है। अब ये सेशन आज का किस बारे में है? जी आप कहेंगे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि आपके सेशन में हमने किसी एक चीज के बारे में पढ़ा हो। तो मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे समझते हैं कि सिर्फ पॉइंट्स ही तो थे, पॉइंट्स पढ़ दिए थे और कुछ किया नहीं, सेशन कुछ खास तो था नहीं। आपको मैं बताऊं, ये सेशन जो अभी आप आज देखने वाले हो, जिसको मैंने बनाने के लिए 4 दिन लगाए हैं, 4 दिन एटलीस्ट। और ये भी बता दूं कि जब पैकेज को अनाउंस होता है, हाँ, तो आपको पता चल गया मेरी बातों से कि मैं पैकेज की बात करने वाली हूँ। गवर्नमेंट ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, आपने सिर्फ इतना ही सुना। हो सकता है कि आपने, अगर आप खुद भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कहीं भी किसी भी और सोर्स से थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की हो, आपको लगेगा 4 दिन क्यों लगे। मैं आपको बताती हूँ, पहले 1 दिन तो पूरा 1 से 2 दिन पॉइंट्स गैदर करने में लगते हैं, उसके बाद उनकी वेरासिटी चेक की जाती है कि कितने पॉइंट्स वो ठीक हैं। आपको सच बता रही हूँ, गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे जा जाके आपके करियर का सवाल है, ऐसी कुछ भी नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो अपनी तरफ से पूरे के पूरे एफर्ट्स करती हूँ, साथ में एक और फैकल्टी भी लगते हैं ये करने के लिए चेक की पूरे के पूरे जो आपको क्वेश्चंस, जो पॉइंट्स पढ़ाए जाएं, वो सारे के सारे सही हो। सही होना इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट के पोर्टल से भी वेरीफाई करना पड़ता है। तो 20 लाख करोड़ में अनाउंसमेंट्स हुई, ध्यान से सुनिए। अब ये जो अनाउंसमेंट्स हुई और जो पैकेज किसको कितना कितना अलॉट किया गया, आपके एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चों को ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, लेकिन पढ़िए। इसलिए देखिए, मैं अपनी आवाज भी तेज रखने की कोशिश करती हूँ, अगर आप ऑब्जर्व करें तो। मेरे को तेज बोलना, देखिए मेरे लिए जरूरी नहीं है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि तेज बोलने से आप फोकस्ड रहते हैं, आप लोगों का ध्यान बना रहता है, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठेगी, आप अटेंटिव ज्यादा रहेंगे। तो प्लीज फोकस्ड, आपकी तरफ से मैं चाहती हूँ कि आप फोकस्ड रहें और बहुत ज्यादा अटेंटिव रहें। आज के वीडियो में से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पेपर्स में दिखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट जब कोई पैकेज अनाउंस करती है और जब कोई पैकेज बनाती है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट में रिवीजन भी कराती हूँ, लेकिन आपको ना एकदम लास्ट तक रुकना चाहिए। उसके लिए आज मेरे पास एक और कारण है, रिवीजन के अलावा भी। मैंने आज जो डिटेल्स बनाई है, उस डिटेल्स के अलावा मैंने चार्ट्स बनाए हैं कि अगर कोई 20 लाख करोड़ के अंदर और तह तक जाना चाहे, मतलब फर्दर आप ये चाहिए, सोचिए कि डिटेल में अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो वो भी डिटेल आज मैंने डाली है। लास्ट में मैं वो चार्ट्स आपको दिखाने वाली हूँ। मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले क्वेश्चन से, पहले पॉइंट से, 20 लाख करोड़ के डिविजन से। फोकस्ड हो जाइए जल्दी से और ध्यान से देखिए, 4-5 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है आपको, तब भी पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में आने वाली सारी चीजें सब बच्चों को अच्छी लगे ऐसा नहीं होता है, बट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान ये वही पैकेज है जिसके तहत सरकार ने 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया। 20 लाख करोड़ का मतलब है 10% ऑफ जीडीपी, ऑफ इंडिया जीडीपी, ये बात है। आत्मनिर्भर अभियान को अगर हम समझना चाहें तो हम इसे सेल्फ रिलायंट इंडिया कहेंगे, ये आपने पढ़ा होगा। जब आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए इन्होंने पैरामीटर्स बताए हैं इन्होंने कि एरियाज ऑफ फोकस जो है कि वो लैंड के ऊपर फोकस करेंगे, वो लेबर के ऊपर फोकस करेंगे, वो मापदंड पैरामीटर्स को कहा जाता है कि इसके क्या मापदंड है, मतलब वही वाली बात। एरियाज ऑफ फोकस इसलिए लिखा है कि बहुत सारे एरियाज होते हैं, पैसा कहाँ कहाँ मेजरली लगाया जाएगा, तो लैंड पे, लेबर पे, लिक्विडिटी पे और लॉस पे। लैंड पे, लेबर पे, लिक्विडिटी पे और लॉस पे। लिक्विडिटी मतलब हम कैश की, कैपिटल की बात कर रहे हैं, अगर कुछ बच्चे ना समझ पाए तो। लैंड है, लेबर है, मजदूरों की बात हो रही है, लिक्विडिटी है, कैश कैपिटल की बात हो रही है, लॉस के ऊपर लगाएंगे। इन्होंने एक बात और कही कि 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत,
फाइव पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के पांच पिलर बताए हैं इन्होंने, और वो पांच पिलर बताए हैं इन्होंने कि एक इकोनॉमी पिलर है, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा पिलर है, तीसरा पिलर सिस्टम है, चौथा पिलर वाइब्रेंट डेमोग्राफी है। तो डेमोग्राफी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एरिया की बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं, वाइब्रेंट डेमोग्राफी तो हम कह रहे हैं जिसमें हम बहुत तरह के लोगों को, सीधी सी बात है, इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि अनेकता है, विविधता है, वो विविधता वाली बात हो रही है वाइब्रेंट डेमोग्राफी के अंदर। पांचवी चीज बताई है डिमांड, ये है फाइव पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। अब जरा पढ़िए आगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे पैकेज के डिस्ट्रीब्यूशन को। पहला पॉइंट है एमएसएमई को पैसा दिया। पैसा देने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि हेल्प कर दी और सीधा उनको हेल्प के तौर पे पैसा देना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में कोलैटरल फ्री लोन ही दिया है। कोलैटरल फ्री का मतलब होता है कोई गारंटी, गारंटी फ्री लोन। अब कोई गारंटी नहीं है तो देखिए आपको भी पता है लोन लेने के समय हम में से कितनों ने लोन लिया होता है, कितना कोलैटरल फ्री है वो हम भी जानते हैं, लेकिन आप प्लीज समझिए गवर्नमेंट ने इसे बनाया है कि ये कोलैटरल फ्री है, कोई बहुत ज्यादा गारंटी वाली बात इसमें नहीं है, गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट गारंटी देती है ऐसी चीजों की। तो इस तरह से समझ लीजिए कि कोलैटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू एमएसएमई, क्रेडिट वर्ड का मतलब समझिए बस इतना कि लोन दिया जा रहा है, 3 लाख करोड़ तक खर्च किया जाएगा एमएसएमई सेक्टर के लिए। स्कीम जो है ये अवेल की जा सकती है 31 अक्टूबर 2020 तक। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा था, अगला पॉइंट कह रहा था कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसीज, एचएफसीज मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर बात चल रही है कुछ कुछ एनबीएफसीज, एचएफसीज या एमएफआईज होती हैं जो बहुत क्रेडिबल या उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं है या वो बहुत बिलीवेबल नहीं है, उनको बैंक लोन नहीं देना चाहता। अगर बैंक के दिए हुए उस लोन पे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे तो बैंक्स, देखिए अभी लिक्विडिटी क्रंच है, पैसा नहीं है किसी के पास भी, तो लिक्विडिटी क्रंच को केटर करने के लिए बैंक्स को कहा जाएगा किसी भी एनबीएफसी को पैसा दे दो तो बैंक्स मना करेंगे, लेकिन अगर बैंक्स को गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे, चाहे थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दे, तो बैंक्स उन एनबीएफसीज को, एचएफसीज को और एमएफआईज को पैसे देंगे, लोन दे देंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी का मतलब है कि गवर्नमेंट पूरा गारंटी नहीं ले रही है ऐसी एनबीएफसीज का, पार्शियल क्रेडिट गारंटी ले रही है, मतलब 20% तक का जो लॉस अगर हो जाए उस पेमेंट पे एनबीएफसी को जिसको दिया था, अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उसका जो 20% है वो लॉस कवर कर देगी गवर्नमेंट। ये बात है इस सेकेंड पॉइंट की। फिर बोल दूं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे पोर्टल्स पे अवेलेबल होती है, आरबीआई का पोर्टल ही आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको पढ़ के अगर समझ में आ जाए तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने लंबे पैराग्राफ में से कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जाम रेलेवेंट है वो पॉइंट बनाया है ताकि आपको समझ में आए। प्लीज समझिए बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, ये एग्जाम रेलेवेंट है, पॉइंट्स की फॉर्म में आपको मिल रहा है, प्लीज इसे याद करिए। रिडक्शन इन टीडीएस एंड टीसीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या फिर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, हर बार आप सुनते हैं ना कि सैलरी मिली टीडीएस कट के मिली, या फिर आपने रेंट दिया तो टीडीएस कट के दिया। अगर आप पहले टीडीएस काटते थे 100 तो अब 75% जो है वो टीडीएस काटना है, 25% का रिडक्शन कर दिया गया है। तो पॉइंट को पढ़िए ध्यान से समझिए, 25% रिडक्शन इन टीडीएस और टीसीएस, ये सारी की सारी चीजें 20 लाख करोड़ के हर तरह के जो लोन मैं आपको बता रही हूँ कि इसको लोन दिया जाएगा उसको लोन दिया जाएगा, ये पैकेज के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। आपको लगेगा स्ट्रीट वेंडर्स को कहां से बेनिफिट करने लग गए, तो बेनिफिट ये है कि उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। आप कहेंगे किसको दिए जाएंगे, कौन है स्ट्रीट वेंडर्स, तो आपको बता दूं सरकार की तरफ से, सरकार के हिसाब से 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा। तो सरकार के कहने का मतलब ये है कि वो 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 देगी। क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अप टू ₹10,000, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स टू बी बेनिफिटेड। अगला पॉइंट पढ़िए, प्रधानमंत्री आवास योजना है ये, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इनकम फैमिलीज। मिडिल इनकम फैमिलीज ये कह रहे हैं 6 से 18 लाख पर एनम वाली
जो होती है वो मिडिल इनकम फैमिलीज है, सरकार कह रही है। कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, आपको याद हो तो पहले भी मैंने, बहुत पहले की बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी हाल फिलहाल खत्म होने वाली थी, तो उस सब्सिडी को अभी भी दिया जाएगा, उस सब्सिडी को थोड़े ड्यूरेशन के लिए बढ़ा दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है, उसे, सब्सिडी स्कीम है, उसे बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है ये आपसे पूछा जाएगा, 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा, सब्सिडी जो आप अगर मकान खरीद रहे थे, घर खरीद रहे थे, तो उस पर कुछ सब्सिडी मिल रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, अब उस सब्सिडी को और बढ़ा दिया गया है। तो डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट सुनिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग बाय गवर्नमेंट फॉर सोशल इंफ्रा इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 30%। वायबिलिटी गैप का मतलब समझिए ना, यहाँ पे अगर मैंने पढ़ा, कई बार बच्चे बहुत अच्छा समझ पाते हैं लेकिन फिर भी शायद इसे समझ नहीं पाते कि ये क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल में अगर गवर्नमेंट कोई सोशल इंफ्रा बनाए तो आप ये समझिए वो बहुत प्रॉफिटेबल चीज नहीं होती है। सोशल इंफ्रा का मतलब स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बना दिया गवर्नमेंट ने, तो ये सोशल इंफ्रा है, इसके अंदर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, फाइनेंशियल कोई बेनिफिट खास नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि वायबिलिटी गैप जो है, जो वायबिलिटी गैप जो फंडिंग है, बेसिकली गवर्नमेंट जो करती है किसके लिए, सोशल इंफ्रा के लिए, उसे इंक्रीज कर दिया गया है 20% से 30%। अगला क्वेश्चन देखिए, लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वर्थ ₹30,000 करोड़। फिर वही बात हो रही है, कुछ भी नहीं कि लिक्विडिटी स्कीम है, फिर से क्या दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। याद रखिए, हर तरह से जो भी मैं बात कर रही हूँ उसके अंदर क्रेडिट का ही मेजर डिस्कशन है। तो लिक्विडिटी स्कीम है जिसमें इन्हें क्या किया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है NBFCs को, HFCs को और MFIs को। अगला पॉइंट कहता है, लिमिट ऑफ स्टेट बोरोइंग इंक्रीज फ्रॉम 3% to 5% ऑफ GSDP। यहां पर आपको लगेगा GSDP क्या है, तो आपको बताऊं, देश की GDP होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात अगर हम करते हैं, तो देश ने इनकम की जितने सोर्सेस से, हम उसे GDP कहते हैं। हम यहां पे कह रहे हैं GSDP, तो GSDP में S स्टेट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो स्टेट भी तो कुछ इनकम करता होगा ना, तो जो स्टेट की इनकम है वो GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कभी कोई फुल फॉर्म बनाऊं तो प्लीज उसे भी याद करिए, क्योंकि वो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल न्यूज में भी आया होगा ये। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम कह रहे हैं कि असम का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा असम की हम बात कर रहे हैं, असम का GSDP 100 था, तो 100 GSDP पे असम को जो लोन दिया जा सकता था वो 3% का था, मतलब 100 में से 3% का था, तो 3 parts लोन दिया जा सकता था। अब उस GSDP को बढ़ा करके 5% कर दिया गया है, GSDP को नहीं, मतलब हम कह रहे हैं लिमिट को, जो स्टेट की लिमिट है वो पहले 3% का लोन ले पाती थी, अब उस लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया है कि असम को 100 में से 5% का लोन दिया जा पाएगा। मेरे एग्जाम्पल को बस समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि लिमिट ऑफ स्टेट बोरोइंग इसे बढ़ाया गया है कि पहले 3 का लोन दे पाते थे, अब 5 का लोन देंगे। अगला पॉइंट कहता है, कमर्शियल माइनिंग एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंट्रोड्यूस्ड इन, अब ये आपसे पूछा जाएगा किस सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग। आप कहेंगे तो कोल माइनिंग ही हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे समझते हैं उसे कोल माइनिंग ही समझते हैं। यहां पर बात ठीक है, यहां पर आपका आंसर भी ठीक आ जाएगा कि कोल सेक्टर की बात हो रही होगी, कोल माइनिंग की बात कर रहे हैं। कब तक कोल माइनिंग ऑफ इंडिया ही लगा रहेगा, प्राइवेट जो सेक्टर है उसको भी क्या किया जा रहा है, थोड़ा आप ये समझिए, गवर्नमेंट इन्हें भी पार्टिसिपेट करा रही है, इन्हें भी मौका दे रही है कि माइनिंग के अंदर, कमर्शियल माइनिंग के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी आए, पार्टिसिपेशन दिखाए। तो आपसे ये पूछा जाएगा किस सेक्टर में माइनिंग के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स को भी ला रही है, तो वो है कोल सेक्टर। अगला पॉइंट पढ़िए, नो ग्लोबल टेंडर्स फॉर गवर्नमेंट परचेजेस अप टू 2200 crores। प्लीज ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको बता रही हूं, और बहुत बहुत ध्यान से सुनना है आपको, नोट्स बनाने, एक भी पॉइंट प्लीज मिस मत करिएगा, एंड पे रिवीजन के टाइम जरूर हेल्प करेंगे।
मैं ये कह रही थी अगर आपको ये बात पढ़ के समझ आए तो बहुत अच्छा। टेंडर्स होते हैं गवर्नमेंट परचेजेस के, गवर्नमेंट परचेजेस के आप जानते हैं कि टेंडर डलते हैं, तो टेंडर अगर 200 करोड़ तक का है, 200 करोड़ का अगर टेंडर है तो 200 करोड़ तक के टेंडर के लिए ग्लोबल प्लेयर्स, मतलब हम कह रहे हैं बाहर से देश के बाहर से लोग उस टेंडर को नहीं भरेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वही जो हम इंडिया वाले हैं, इंडिया से अगर कोई टेंडर के लिए अप्लाई कर रहा है वही कर पाएगा। नो ग्लोबल टेंडर, देश के बाहर से कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो कह रहे हैं नो ग्लोबल टेंडर्स फॉर गवर्नमेंट परचेजेस अप टू 200 करोड़। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को अमेंड किया है इसके लिए। अगला पॉइंट ये याद रखिए, अब ये जो बात मैंने जल्दी जल्दी में कह दी कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को अमेंड किया गया है, अगर इस पूरे पॉइंट को पढ़ दिया जाए और इससे क्वेश्चन बना दिया जाए, याद रखिएगा वो आपसे ये भी पूछ लेगा इसके लिए किस रूल को बदला गया है, किस लॉ को अमेंड किया गया है। तो इसका मतलब ये जो मेरा जल्दी जल्दी में बोला गया पॉइंट है ये भी उतना ही सिग्निफिकेंट है जितनी ऊपर वाली खबर। ₹2 lakh crore क्रेडिट टू 2.5 crore फार्मर्स अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, यहां पर ऐसा मत समझिए कि सीधा किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, हर जगह पे क्रेडिट वर्ड को पढ़िएगा कि लोन ही दिया जा रहा है। ये पैकेज के अंदर जो दिया जा रहा है बेसिकली वो लोन दिया जा रहा है, ₹2 lakh crore क्रेडिट टू 2.5 crore फार्मर्स, मतलब 2 lakh crore का जो पैकेज है, लोन दिया जाएगा 250 करोड़ फार्मर्स को। तो जो 250 करोड़ फार्मर्स हैं वो बेनिफिट ले पाएंगे सरकार के उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 2 लाख करोड़ के लोन का। किसके तहत? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत ये किया जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं जरा देखिए, गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज, नंबर ऑफ पीएसयूज इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर 1 to 4। फिर वही बात है, पॉइंट पढ़ लिया शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं प्लीज ये समझिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आप जो समझ पा रहे हैं मैं उसमें एड ऑन कर रही हूँ कि मैं उसको थोड़ा और आसान बना रही हूँ कि आपको ये बात याद रह जाए और आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसी बैठ जाए कि आपको ये याद रहे। अगर डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है, मतलब विनिवेश करती है अगर सरकार, विनिवेश भी अगर नहीं जानते तो गवर्नमेंट अपना जो शेयर होता है वो अपनी एजेंसीज में, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज में बेचना स्टार्ट करती है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। आसान भाषा में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब विनिवेश कर रही है सरकार, अपना शेयर बेच रही है। तो अगर हम कह रहे हैं गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज, आप कहेंगे गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है, किसको प्राइवेटाइज कर रही है? नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज को क्या कर रही है? प्राइवेटाइज कर रही है। स्ट्रेटेजिक पीएसयूज को भी वैसे तो प्राइवेटाइज कर रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर आप नीचे वाला पॉइंट पढ़े तो कह रही है कि नंबर ऑफ पीएसयूज जो है स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर, इसका मतलब इसको भी डिसइन्वेस्ट कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी एक सेक्टर में, एग्जाम्पल है वैसे ही समझाने के लिए, कि अगर डिफेंस में सरकार के पास 7 PSUs हो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, नॉन स्ट्रेटेजिक तो प्राइवेटाइज कर रही है, वो ऊपर वाला 12वां पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज। मैं कह रही हूं नीचे वाले पॉइंट में ये लिखा है कि अगर गवर्नमेंट अपने पास पीएसयू रखे वो भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर वाली, तो वो 1 से लेके 4 हो सकती है, इससे ज्यादा गवर्नमेंट नहीं रखेगी, उसको क्या कर देगी? डिसइन्वेस्ट कर देगी। अब गवर्नमेंट के पास 7 है, अब गवर्नमेंट का ओपिनियन है वो 1 रख ले बाकी सारी डिसइन्वेस्ट कर दे, अगर मैक्सिमम 4 रखना चाहे उतने तक रख सकती है। बस याद रखिए स्ट्रेटेजिक को भी कर रही है। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि पीएसयू नॉन स्ट्रेटेजिक ही नहीं कर रही है सिर्फ, कई बार न्यूज पढ़ के सिर्फ ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि नॉन स्ट्रेटेजिक को डिसइन्वेस्ट कर रही है, उसका विनिवेश कर रही है, उसको बेच रही है, लेकिन स्ट्रेटेजिक को भी कर रही है। इस बात से शायद आपको क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट पढ़िए जरा, ऑपरेशन ग्रीन्स। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट टोटल और टॉप के बारे में है। आप कहेंगे क्या बात करने लग गई मैं, टॉप कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब कुछ वीडियोस से पहले कुछ हुए थे तो उनसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था। टॉप के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो टॉप हम बात कर रहे हैं टोमेटो, अनियंस और पोटैटो की बात हम कर रहे हैं, टॉप क्रॉप्स की बात कर रहे हैं कि अगर प्याज की कमी हो जाए तो प्याज का दाम बढ़ जाता है, प्याज का रेट बहुत बढ़ जाता है, तो वोलाटिलिटी ना हो, फ्लक्चुएशन ना हो, तो इसकी अवेलेबिलिटी,
फार्मर से लेना है और इन्हें मार्केट के अंदर पहुंचाना है। तो आप ये समझ लीजिए ये टॉप क्रॉप है। ऑपरेशंस ग्रीन का पार्ट पहले हम कह रहे हैं टॉप था, इसका मतलब टॉप यानी कि टोमेटो अनियन और पोटैटो से ही रिलेटेड था। अब टॉप को टोटल कर दिया गया है, टोटल का मतलब समझिए कि ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। अब सारे फ्रूट्स सारे वेजिटेबल्स को पहुंचाने की, प्रिजर्व करने की, इनकी वोलेटिलिटी को, इनकी फ्लक्चुएशन को मेंटेन किया जाएगा। ऑपरेशंस ग्रीन को एक्सटेंड कर दिया गया है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ऑपरेशंस ग्रीन में बदलाव हुआ है। पहले ये टॉप था सिर्फ और अब ये टोटल हो चुका है। तो टोटल मैंने क्या बताया, मतलब क्या है इसका, ऑल फ्रूट्स ऑल वेजिटेबल्स पार्ट है ऑपरेशंस ग्रीन का। प्रोग्राम लॉन्च फॉर डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन, अब प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, उसका नाम है पीएम ई विद्या। अगर मैं इसके अंदर और जोड़ना चाहूं तो मैं आपको ये बताऊं कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो, जिसके तहत हम कह रहे हैं ई विद्या दिया जाए। तो हम कह रहे हैं दीक्षा इसका नाम है, इस पोर्टल इस प्लेटफॉर्म का नाम है दीक्षा। अगर बात करूं वन क्लास वन चैनल इनिशिएटिव, तो आपको शायद थोड़ा कम समझ में आए क्योंकि अभी मैंने बहुत एक्सप्लेन भी नहीं किया और इतना नहीं जल्दी समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है। तो वन क्लास वन चैनल इनिशिएटिव, यहां से ये समझिए, हर किसी बच्चे के पास लॉकडाउन के चलते इंटरनेट फैसिलिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं टीवी आजकल सबके पास होता है, ज्यादातर सबके पास होता है। तो सरकार ने एक इनिशिएटिव बनाया है कि हर स्कूल की बात हम कर रहे हैं, क्लासेस की, ग्रेड्स की, सेक्शंस की बात हम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जो स्कूल वाली क्लासेस हैं, हम कह रहे हैं अगर बच्चे पढ़ते हैं तो एक क्लास के लिए एक चैनल बना दिया गया है। डीटीएच फैसिलिटीज में डीटीएच चैनल्स बनाए गए हैं और कहा जा रहा है इसको स्वयं प्रभा, वन क्लास वन चैनल इनिशिएटिव है जो हम कह रहे हैं। चैनल्स बना दिए गए हैं, डीटीएच चैनल्स है फॉर स्कूल एजुकेशन, और इसको कहा जा रहा है, इस इनिशिएटिव को कहा जा रहा है स्वयं प्रभा। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, भूलिएगा मत कि ना दीक्षा को भूलना है, ना आपने पीएम ई विद्या को भूलना है, वो प्रोग्राम जिसके तहत डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, और ना ही आपको डीटीएच चैनल्स के ऊपर जो चैनल क्लासेस को डेडिकेट किया गया है कि एक क्लास के लिए एक चैनल, सिक्स्थ के लिए एक चैनल, सेवन्थ के लिए भी एक प्रॉपर फुल चैनल, स्वयं प्रभा इस इनिशिएटिव का नाम। अगले क्वेश्चन अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। आप कहेंगे इसमें इनिशिएटिव की क्या जरूरत थी, एक्चुअल में लॉकडाउन के चलते आप जानते हैं टीचर्स भी स्टूडेंट्स भी स्ट्रेस्ड होंगे, तो किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, काउंसलिंग दी जाएगी इन लोगों को। हम कह रहे हैं जिस इनिशिएटिव की मैं बात कर रही हूँ उस इनिशिएटिव को कहा जा रहा है मनोदर्पण। तो मनोदर्पण में मन और दर्पण को पढ़िए, समझ में आ जाएगा आपको कि हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो टीचर्स और स्टूडेंट्स को दी जाएगी उसकी बात हम कर रहे हैं। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफॉल्ट अंडर कंपनीज एक्ट, अब कंपनीज एक्ट में यहां समझिए कि अगर कोई डिफॉल्ट होता था या फिर किसी तरह से बहुत ज्यादा आपने फॉलो नहीं किया रेगुलेशंस को, तो क्या किया जाता था, उसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाता था। तो अब कहा जा रहा है कंपनीज एक्ट के तहत कुछ जो डिफॉल्ट होते हैं उन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उसे क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं माना जाएगा, आपराधिक गतिविधि नहीं माना जाएगा। कंपनीज एक्ट के तहत डिफॉल्ट जो होते हैं उन्हें डीक्रिमिनलाइज किया गया है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम एक्सटेंडेड टिल 31st मार्च। अब ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम क्या है, किससे रिलेटेड है, तो वन बाय वन बात करते हैं। मैं बात कर रही हूं एक्सपोर्ट्स में सब्सिडी मिलती है, एक्सपोर्ट्स में सब्सिडी मिलती है प्री और पोस्ट शिपमेंट रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट। हम कह रहे हैं कि जो प्री और पोस्ट शिपमेंट पे रूपी एक्सपोर्ट क्रेडिट जो मिलता है, हम कह रहे हैं एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी जो मिलती है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत, तो उसे कहा जा रहा है 31st मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 31st मार्च 2021 की बात की जा रही है, याद रखिएगा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम का नाम है, इसके तहत सब्सिडी देने की बात की जा रही है एक्सपोर्टर्स को भी। बस अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिए 2% इंटरेस्ट सबवेंशन।
अब इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब हम फाइनेंशियल सपोर्ट देने की ही बात कर रहे हैं सबवेंशन का, जो कि मतलब होता है तो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन है ऑन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ शिशु मुद्रा लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। शिशु मुद्रा लोन, मुद्रा का फुल फॉर्म भी बताऊंगी, मुद्रा क्या है वो भी बताऊंगी, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि शिशु के अलावा किशोर तरुण लोन्स भी होते हैं और कहां तक के लोन्स हैं जिनकी बात यहां पे की जा रही है और जिनको कहा जा रहा है कि इसमें 2% का रिडक्शन मतलब रिबेट आपको दे दी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि अगर 50,000 तक का लोन है, शिशु लोन है ये, तो हम कह रहे हैं शिशु मुद्रा लोन अगर इस पे प्रॉम्प्ट रीपेमेंट मतलब अगर 12 महीने के अंदर लोन लिया था, 12 महीने के अंदर अंदर पे कर देते हैं। प्लीज समझिए, जब हम लोग लोन लेते हैं, आपने लिया मैंने लिया, तो लंबे लंबे समय के लिए, बड़ी लंबी अवधि के लिए लोन लिया जाता है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा मोटिवेशन दिया जा रहा है कि अगर आप प्रीपेमेंट कर दो, प्रॉम्प्ट पेमेंट रीपेमेंट कर दो, पैसा वापस कर दो 12 महीने के अंदर अंदर, तो आपको 2% की छूट दी जाएगी, 2% की छूट दी जाएगी। तो इसे भी पैकेज का पार्ट बनाया जा रहा है कि 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन, एक तरह से आपको छूट दे करके आपको थोड़ा सा पैसा कम देना पड़ेगा तो आपकी मदद हो जाएगी, बस यही बात है। शिशु लोन अप टू 50,000 तक होता है कहा जाता है। किशोर की बात करें, किशोर मुद्रा लोन जो है वो 50,000 से 5,00,000 के बीच का होता है। तरुण लोन की बात करें तो 5,00,000 से 10,00,000 के लोन को तरुण मुद्रा लोन कहा जाता है। मुद्रा क्या है, पहले मुद्रा है क्या, मुद्रा में एम माइक्रो है, यू यूनिट्स है, डी डेवलपमेंट है, उसके बाद में रीफाइनेंस एजेंसी है मुद्रा। मैं फिर पढ़ती हूं, मैं कह रही हूं आप पढ़िए मेरे साथ में, मैं भी पढ़ रही हूं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये होती है मुद्रा। इसका मतलब एक एजेंसी है, कैसी एजेंसी है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। मुद्रा क्या है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब लोन दे रहा है ना। इट डज नॉट लेंड डायरेक्टली, तो लोन देता है, लेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली लेंड नहीं करता है। मुद्रा लोन्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत दिया जाता है और हम कह रहे हैं इसे अवेल किया जा सकता है बैंक से, NBFC से और MFI से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशनल एलोकेशन अंडर मनरेगा। मनरेगा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, अब यहां पर जब एलोकेशन हुआ है तो मनरेगा में कुछ और बढ़ा दिया गया है अमाउंट कि 40,000 करोड़ का एडिशनल मनरेगा को एलोकेट किया गया है अमाउंट, 40,000 करोड़ का। अगला पॉइंट देखिए, फंड ऑफ फंड्स, मतलब आप ये समझ गए होंगे कि अगर पहले कुछ फंड दिया जा रहा होगा तो अब एडिशनल फंड दिया जाएगा एमएसएमई को। प्लीज ये समझिए, फंड ऑफ फंड्स एडिशनल फंड्स की बात की जा रही है, लेकिन ये भी समझिए कि लोन ही है, क्रेडिट की ही बात हो रही है। ये मत समझिएगा कि पैसे सीधा एमएसएमईज को दे दिया गया है, फंड ऑफ फंड्स एडिशनल फंड दिया गया है एमएसएमईज को 50,000 करोड़ तक का। अगली बात मैं करूं तो एडिशनल रुपीज 30,000 करोड़ एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर्स थ्रू नाबार्ड। फिर आप जान रहे हैं, फिर आप समझ रहे हैं कि फिर से लोन दिया जा रहा है, तो लोन अब कैसे देंगे। 30,000 करोड़ का अगर हमने लोन एलोकेट किया है कि हम ये लोन देंगे फार्मर्स को, तो फार्मर्स को लोन कैसे देंगे, कौन पहुंचाएगा, कोई एजेंसी जो फार्मर्स से जुड़ी हुई है जो उन तक लोन पहुंचाएगी, वो है नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है वो जो इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल है जो फार्मर्स के लिए अलॉट हुई है कि 30,000 करोड़ तक का भाई इन तक लोन पहुंचा दो, तो नाबार्ड ये काम करेगा बीच में लोन देने का फार्मर्स को। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है ईपीएफ, ईपीएफ की बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन है रिड्यूस किया गया है जिसे 10%। आपको मैं बताऊं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉई हैं तो ईपीएफ के अंदर जब आपको पैसा मिलता है तो आपके एम्प्लॉयर काट के आपको पहले 12% का ईपीएफ काटते थे आपकी सैलरी में से, वो अपना भी ईपीएफ जो है काटने के बाद जमा कराते थे आगे गवर्नमेंट के पास प्रोविडेंट फंड, जिसको मैं कह रही हूँ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो मैं कह रही हूँ वो भी 12% आगे जमा कराते थे। तो यहां पर
दोनों को ही छूट दी गई है, एम्प्लॉई को भी एम्प्लॉयर को भी। तो एम्प्लॉयर भी 10% जमा कराएंगे और एम्प्लॉई को भी 10% काट के मिलेगा। अब आप कहेंगे इसमें क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर पहले आपकी सैलरी 12% उसमें से ईपीएफ कटता था तो अब 10% कटेगा, तो आपकी टेक होम सैलरी ज्यादा हो जाएगी। टेक होम सैलरी ज्यादा हो जाएगी, आपके हाथ में पैसे ज्यादा आएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस किया गया है, लेकिन इसे मत समझिएगा कि परमानेंट हो गया है, ये सिर्फ 3 महीने के लिए हुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने महीने के लिए इसे रिड्यूस किया गया था। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पहले रिवाइज कराऊंगी, रिविजन कराऊंगी, और आपको बता दूं मैं जब आपको चार्ट्स दिखाने शुरू करूंगी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में रिविजन के बाद, ताकि आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाए, रिविजन के बाद मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगी जिसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेटरी आपको दिया गया है, एक एक चीज की किसमें कितना पैसा अलॉट करके 20 लाख करोड़ बनाया गया है। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से रिविजन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमने कहा था वैल्यू ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया एक पैकेज है 20 लाख करोड़ का, जो हमारी जीडीपी का 10% कहा जा रहा है। इसमें पैरामीटर्स जो बताए गए, मापदंड जो बताए गए, वो एरियाज ऑफ फोकस जो बताए गए कि जिनमें इन्वेस्ट किया जाएगा यह 20 लाख करोड़, लैंड है, लेबर है, लिक्विडिटी मतलब कैपिटल कैश की बात हो रही थी, और लॉज है। 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत जो बताए गए इस एलोकेशन के अंदर, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड, कोलैटरल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, मतलब फिर से लोन लेने की बात हो रही थी कि लोन दिया जाएगा 3 लाख करोड़ का एमएसएमईज को, ये स्कीम वैलिड है 31 अक्टूबर 2020 तक, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसीज, एचएफसीज मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, कि 20% का अगर लॉस हो किसी भी एनबीएफसी को, अगर बैंक ने पैसा दिया, एचएफसीज को पैसा दिया, अगर लॉस होता है बैंक को, तो उसका 20% मतलब जो पार्शियल अमाउंट है उसकी गारंटी सरकार ने दी है कि सरकार उसे पूरा कर देगी डिफॉल्ट को। रिडक्शन किया गया है टीडीएस में, टीसीएस में 25% का। क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 है कि उनके अकाउंट में 10,000 में दिए जाएंगे, और सरकार कह रही है कि इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी, जिसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी बढ़ा करके उसका ड्यूरेशन 31 मार्च 2021 कर दिया गया है, और ये मिडिल इनकम फैमिलीज की बात हो रही है, क्योंकि उन्हें ही मिलता था प्रधानमंत्री आवास योजना का सब्सिडी, जो 6 लाख से 18 लाख परानम की इनकम वाली फैमिलीज है। वायबिलिटी गैप है, फंडिंग बाय गवर्नमेंट फॉर सोशल इंफ्रा इंक्रीज फ्रॉम 20% to 30%, मतलब कि गवर्नमेंट अगर वायबिलिटी गैप, यानी कि मैंने आपको बताया था कि बहुत फाइनेंशियली इस चीज में कमा नहीं पाती, वो प्रॉफिट जनरेटिंग नहीं होता है, जब वो सोशल इंफ्रा में काम करती है, तो कहा जा रहा है जो वायबिलिटी गैप है फंडिंग बाय गवर्नमेंट, हम कह रहे हैं इसे बढ़ा दिया गया है 20% से 30% कर दिया गया है। लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज एंड एचएफसीज एंड एमएफआईज वर्थ 30,000 करोड़, मतलब अभी लिक्विडिटी स्कीम है, इन्हें पैसा दिया जा रहा है। लिमिट बढ़ाई गई है स्टेट बोरोइंग्स की 3% से 5% उनकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक पार्ट की। कमर्शियल माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो वो सेक्टर है कोल सेक्टर। ग्लोबल टेंडर्स नहीं लिए जाएंगे, गवर्नमेंट परचेजेस में 200 करोड़ तक के अंदर ग्लोबल टेंडर्स, मतलब आप बाहर के देशों से टेंडर्स नहीं बुला सकते हो, टेंडर्स नहीं ले सकते हो अगर गवर्नमेंट परचेजेस हो रहे हैं तो। 2 लाख करोड़ का जो क्रेडिट है वो 2.5 करोड़ फार्मर्स को दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत। गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज को, और जो स्ट्रेटेजिक पीएसयूज है उनमें भी सिर्फ 1 से 4 तक रखेगी, बाकी सबको डिसइन्वेस्ट कर देगी। ऑपरेशन ग्रीन्स पहले टॉप था, जिसमें टोमेटो, अनियंस और पोटेटोज की बात हो रही थी, और अब बात की जा रही है टोटल उसको बना दिया गया है, मतलब सारे के सारे फ्रूट्स और सारे के सारे जो वेजिटेबल्स है उनको ऐड किया गया ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर। प्रोग्राम लॉन्च किया है डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, पीएमई विद्या है। इसके बाद प्लेटफॉर्म का नाम दीक्षा है, जिसे वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। वन क्लास वन चैनल इनिशिएटिव है, हम कह रहे हैं डीटीएच चैनल्स फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसे स्वयं प्रभा कहा जा रहा है।
ये सारे के सारे नाम याद रखिएगा, ई विद्या, दीक्षा, स्वयं प्रभा एग्जाम में आएंगे पक्का से। मनोदर्पण है जिसमें काउंसलिंग दी जाएगी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को। डीक्रिमिनलाइज किया है कंपनीज एक्ट के तहत डिफॉल्ट्स को जो कंपनीज कर देती हैं। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च तक, जो एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जिसे एक्सटेंड किया गया है उसके तहत। उसके बाद 2% इंटरेस्ट सबवेंशन है अगर आप प्री पेमेंट कर देते हैं, प्रॉम्प्ट प्री पेमेंट कर देते हैं शिशु मुद्रा लोन्स की। तो कह रहे हैं शिशु मुद्रा लोन्स में अगर आप 12 महीने तक पेमेंट कर देते हैं तो कह रहे हैं 2% का उन्हें छूट दिया जाएगा पैसा रीपे करने पर। शिशु लोन जो था वो 50,000 तक का होता है, किशोर लोन जो है वो 50,000 से 5,00,000 तक का होता है, तरुण लोन 5,00,000 से 10,00,000 तक का होता है। और मुद्रा का मतलब याद रखिएगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। कितने सारे एग्जाम्स में मुद्रा का फुल फॉर्म पहले भी आया हुआ है। एडिशनल एलोकेशन अंडर मनरेगा 40,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स, मतलब एडिशनल फंड्स एमएसएमई, तो 50,000 करोड़ का एडिशनल जो 30,000 करोड़ का इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल है फार्मर्स के लिए वो नाबार्ड उन तक पहुंचाएगा। ईपीएफ जो है कट रहा था सैलरी में से, तो कहा जा रहा है कि अब वो कम कर दिया गया है, 10% कर दिया गया है, 10% कटेगा 3 महीने के लिए। उसके बाद अब आप देखेंगे, अब पूरा आप 2-4 मिनट लगा करके इसमें से पढ़िए, चार्ट में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। मैं अभी के लिए रैप अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।